नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मकर संक्रांति के दिन किए गए दान के महत्व के बारे में जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इससे क्या क्या लाभ मिलता है। लेकिन इसके पहले मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आध्यात्मिक परिवार में अवश्य शामिल हो जाएं। आपको सिर्फ इतना करना है कि नीचे दिया गया लाल कलर में सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे हमारे दिव्य योगासन के नए वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए इस त्यौहार में किए गए कार्य अत्यधिक सफल माने जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन दान की महिमा बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि आप जो दान करते हैं उसका लाख गुना किसी न किसी रूप में आपको प्राप्त हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार राशि अनुसार दान करने से व्यक्ति की प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। आप भी जानिए मकर संक्रांति के दिन राशि के अनुसार क्या क्या दान करना चाहिए। मेष राशि वालों के लिए तांबे की वस्तु दान करनी चाहिए। इस राशि का स्वामी मंगल है, इसलिए मच्छरदानी, गुड़, मूंगफली के दाने एवं तिल का दान आप कर सकते हैं। वृषभ राशि वालों को चांदी की वस्तु दान करनी चाहिए। इस राशि का स्वामी शुक्र है, इसलिए ऊनी वस्त्र, सफ़ेद कपड़ा, दही एवं तिल का दान कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों को चांदी की वस्तु दान करनी चाहिए। इस राशि का स्वामी बुध है, इसलिए मूंग दाल, चावल एवं हरा कंबल तथा हरा कपड़ा दान कर सकते हैं। कर्क राशि वालों का स्वामी चंद्र है, इसलिए साबूदाना, चावल, चांदी एवं सफ़ेद तिल का दान करना चाहिए। सिंह राशि वालों का स्वामी सूर्य है, इसलिए गेहूं, सोने के मोती आप दान कर सकते हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध है, इसलिए खिचड़ी, कंबल, हरे कपड़े दान कर सकते हैं। तुला राशि का स्वामी शुक्र है, इसलिए कपड़े, हीरा, शक्कर एवं कंबल का दान कर सकते हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, इसलिए मूंगा, लाल कपड़ा एवं तिल का दान कर सकते हैं। धनु राशि का स्वामी गुरु है, इसलिए पीला कपड़ा, हल्दी, कोई भी पीली वस्तु या सोना दान कर सकते हैं। मकर राशि वालों का जो स्वामी है वो शनि है, इसलिए काला कंबल, काला तिल, कड़वा तेल का दान कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों का स्वामी शनि है, इसलिए काला कपड़ा, काली उड़द, खिचड़ी एवं तिल का दान कर सकते हैं। मीन राशि वालों का स्वामी गुरु है, इसलिए रेशमी कपड़ा, चने की दाल, चावल एवं तिल दान कर सकते हैं। इसके अलावा कर्ज से मुक्ति के लिए मंदिर में या किसी गरीब को काले अंगूर का दान अवश्य करें। धन प्राप्ति के लिए बेलपत्र के साथ कोई 5 फल अवश्य दान करें। शत्रु मुक्ति के लिए चावल, नींबू, नमक, कड़वा तेल, 5 अनाज का आटा और 1 रुपये के सिक्के को पोटली में बांधकर किसी जरूरतमंद को दे दें तो शत्रु से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। मनपसंद वर की प्राप्ति के लिए चंदन की लकड़ी, हल्दी का टुकड़ा, चावल, काला तिल तथा घी को 1 पोटली में बांधकर किसी जरूरतमंद को दान कर दें, इससे मनपसंद वर की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं इस दिन के नियम। इस दिन धूम्रपान, मद्यपान तथा मांसाहार भोजन कदापि न लें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। हनुमान जी और शनि मंदिर में दर्शन करने की कोशिश करें। पति पत्नी मिलकर दान करें तो यह लाभ ज़्यादा मिलता है। मनोकामना करते हुए दान करें। दान दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद दान का प्रभाव बढ़ जाता है। आशा है यह जानकारी आपके काम आएगी। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योगासन अलग अलग शहर में कुंडलिनी ध्यान का आयोजन कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहाँ पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल संस्था या योगा केंद्र या जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।